दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए दोस्तों खुशखबरी है। दोस्तों, यूट्यूब ने एक नया सर्विस लॉन्च किया है, यूट्यूब हैंडल का। दोस्तों, आप उसका सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे उसका यूज़ ये है दोस्तों, मैं आपको पहले आपको लाइव करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपका कोई चैनल है, जैसे आपको कोई सर्च करता है, कोई ऑडियंस आपको सर्च करता है, जैसे आपको, जैसे हमारा चैनल है टेक विथ स्माइल, तो जैसे हमारा टेक विथ स्माइल और टेक स्माइल, जैसे हम टेक स्माइल के नाम से अगर सर्च करते हैं चैनल कोई, तो यहाँ पर देखिए वो जैसे सर्च करेंगे तो टेक स्माइल का जैसे हमारा आगे ऑप्शन आ गया। इस नाम से कई लोग होंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे कई लोग क्या आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका चैनल जब कोई आपका ऑडियंस सर्च करे तो आपका चैनल शो हो, तो उसके लिए दोस्तों यूट्यूब ने एक नया सर्विस लॉन्च किया है, यूट्यूब हैंडल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे आप उसको इनेबल करेंगे, कैसे उस सर्विस को एक्टिवेट करेंगे अपने चैनल पर, और कैसे आप अपना उसका सेटिंग करेंगे, इसका कंप्लीट तरीका। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने जो है चैनल वाले मेल आईडी पर आपको इस तरीके का मेल आया होगा। यहाँ से दोस्तों आपको देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद से देखिए यहाँ चूज ए हैंडल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप अगले वाले पेज पे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके मोबाइल पे या अपने ईमेल आईडी पर अगर इस तरीके का मेल नहीं आया हुआ है, तो दोस्तों आप जो है अपने यूट्यूब पर जाएंगे। यूट्यूब पर जाने के बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च बाक्स है, यहाँ पे लिखेंगे आप www.youtube.com/हैंडल। देखिए देखिए दोस्तों, आपको अपना जब जब दोस्तों अगर आपको मेल नहीं आया होगा, तो आपको यहाँ पे देखिए आपको लिखना है सर्च बॉक्स में यहाँ पे www.youtube.com/हैंडल। जैसे हैंडल इस पर क्लिक कर सर्च करेंगे, जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे तो दोस्तों आप इस वाले पेज पे आप आ जाएंगे। देखिए हमारा आ गया है, ये हमारा जो हमारा हैंडल है @TakeWithSmile, हमें ये अगर ये दोस्तों कोई ऑडियंस अगर सर्च करता है तो डायरेक्ट मेरा चैनल शो होगा और किसी का चैनल शो नहीं होगा। इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों अगर हम आपके चैनल पर आना चाहते हैं या फिर कोई ऑडियंस आना चाहता है तो डायरेक्ट आपके चैनल पे जाएगा, ना कि किसी और चैनल पे। तो दोस्तों इसको कैसे इनेबल करना है इसको मैं बताऊंगा। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ से अगर मेल आया होगा तो आप यहाँ से चूज ए हैंडल क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद से आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाएंगे। और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब पर जाएंगे। यूट्यूब पर जाने के बाद से यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये है इसका मेल, इसका एड्रेस है www.youtube.com/हैंडल। जैसे ये लिख करके आप सर्च करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों अगर चाहते हैं, देखिए इस तरीके का आपका पेज मिलेगा। यहाँ से देखिए आपका जो हैंडल है ये लिखा हुआ है @TakeWithSmile। अगर दोस्तों आप अगर इसका चेंज करना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ चेंज हैंडल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से दोस्तों देखिए हमारा ये तो अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं दूसरा कुछ रखना, तो यहाँ पर इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद से दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए हम टेक स्माइल रखते हैं, टेक स्माइल अगर करते हैं तो देखिए, अगर टेक स्माइल करते हैं तो देखिए हमारा आ जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन टिका हो जा रहा है। अगर दोस्तों अगर ये ग्रीन टिक है तो उसके बाद कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर देना। अगर दोस्तों अगर ये अवेलेबल होगा तभी आपका होगा, अगर नहीं होगा अवेलेबल तो यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं होगा, आपका रेड हो जाएगा। जैसे मैंने हम आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हम ईशान सर का आपको बताते हैं। देखिए इन्होंने अपना ले लिया है अपना, इस नाते यहाँ पे अभी दिखाते हैं हम आपको। देखिए इंसान सर का इन्होंने अब ऑलरेडी ले लिया है, इस नाते यहाँ पे देखिए इस तरीके का रेड आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी अपना जो कर लेना है, आपको अपना सर्च कर लेना है टेक स्माइल के नाम से। जैसे हम आप रखना चाहते हैं तो देखिए टेक स्माइल जैसे आप रखेंगे तो आप देखिए अवेलेबल आ गया, टिक आ गया ग्रीन टिक का। इस पर आपको क्लिक करना है, अपना कर लेना है। उसके बाद से कन्फर्म सलेक्शन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका ये हैंडल ओके हो जाएगा, आपका यहाँ पे गॉट इट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से दोस्तों इसके यूज़ के बारे में दोस्तों आपको बता देता हूं। यहाँ से दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है। देखिए नीचे आपको देखिए योर एडिशनल चैनल यूआरएल, दोस्तों ये हमारा जो एडिशनल है, मतलब ये आप ये भी अगर एक कोई ऑडियंस आके सर्च करता है तो भी आएगा, और अगर दोस्तों और जो मैंने हम सेट किया टेक स्माइल के नाम से वो अगर सर्च करता है तब भी हमारा आएगा, वो हमारा चैनल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बता रहा है यूट्यूब इसके बारे में कि क्या है, किसके इसके बारे में क्या चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर देखिए हैंडल एंड चैनल का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ये सारे इसका आपको ये आपको रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा है कि अगर आपको हैंडल सेट करना है तो देखिए @ अपना यूजर आईडी, जैसे मान लीजिए आपका कोई चैनल है तो आप अपना चैनल का नाम डाल सकते हैं या फिर अपना कुछ भी अपना नाम डाल सकते हैं। उसके बाद से ओके कर देंगे तो आपका जो है सेट हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आपका जब फाइनल जब हो जाएगा तो आपको यूट्यूब पे जब कोई अगर यूज़र सर्च करता है तो इस तरीके से अगर डाल के सर्च करेगा तो आपका जो चैनल डायरेक्ट आ जाएगा आपके यहाँ से आप। और दोस्तों यहाँ पे ये एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपने पहले से कोई कस्टम यूआरएल सेट किया हुआ है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, अगर वो भी अगर कोई सर्च करता है
जैसे मैंने ये सर्च सेट कर रखा है अपना कस्टम यूआरएल। अगर दोस्तों अगर कोई यूट्यूब मतलब कोई व्यूअर या कोई ऑडियंस अगर हमारा ये चैनल इस तरीके से यूआरएल डाल के सर्च करता है तो तब भी हमारा चैनल शो होगा, और हैंडल @ टेक स्माइल के नाम से अगर सर्च करता है तब भी हमारा ही चैनल शो होगा। तो दोस्तों ये था कम्प्लीट तरीका जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपना हैंडल अपना सेटिंग करेंगे, उसका कंप्लीट तरीका बताया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।